तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना पूरा ब्लॉग। और अभी इस टाइम हम हैं मुखर्जी नगर में। मुखर्जी नगर से हम जा रहे थे इस टाइम में जो एशिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर मार्केट है, जिसे हम बोलते हैं नेहरू प्लेस, वहाँ जा रहे थे हम। और ये है हमारा मुखर्जी नगर। मुखर्जी नगर से पहुँचे हम यहाँ पे नेहरू विहार में, और नेहरू विहार की तरफ बढ़ते हुए धीरे धीरे चल रहे हैं, गाड़ी से पहुँच रहे हैं। ये आ गए हम कहाँ पे, मुखर्जी नगर। मुखर्जी नगर का है ये चौराहा, जिसे हम बोलते हैं बत्रा के पास का चौराहा। ठीक है, चौराहा नहीं तिराहा बोलेंगे। तो यहाँ से जा रहे हैं अभी धीरे धीरे, और चलते हैं गाड़ी से। चलिए, चल रहे हैं गाड़ी से धीरे धीरे। और ये है हमारी दृष्टि कोचिंग, जहाँ से आईपीएस आईएएस और कई बड़े बड़े सपने लेकर यहाँ आते हैं, और यहाँ से अपनी सफलता लेकर जाते हैं। बोल सकते हैं एक तरह से आईएएस आईपीएस की भट्टी है ये। ये हम जा रहे हैं अभी सीधे यहाँ से जीटीवी नगर, गुरु टेग बहादुर नगर। ये पूरा रोड यहाँ से शॉर्ट लिया था हमने। ये देखिए कैमरा है, पूरा आगे फोकस है, पीछे केवल हेलमेट पे फोकस किया था। ये थोड़ा कैमरा की रिकॉर्डिंग देख रहे थे फ़ोन से, कैसा रहेगा, कैसी क्वालिटी निकलेगी फ़ोन से, ये सब चेक कर रहे थे। इस हिसाब से काफ़ी बढ़िया वीडियो बन गई यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा आउटपुट दिया हमारे रियलमी 8 मोबाइल ने वीडियो से। 180p 60fps पे शूट किया था ये वीडियो, पूरा वीडियो। और काफ़ी जगह जाम भी मिला रास्ते में। यहाँ से पहुँचे हम मेट्रो के पास चौराहे पर, चौराहे तिराहे पर। यहाँ काफ़ी देर खड़े रहे जाम में, लगभग 15 मिनट। वहाँ की क्लिप मैंने हटा दी इसमें, तो कहीं इधर से रिक्शा वाला, कहीं इधर से टेम्पो वाला, पीछे से बाइक वाला, और ये सब आते रहे। फिर धीरे धीरे हमने साइड से गाड़ी निकाली और पहुँचे हम आगे। यहाँ खड़े रहे थे, यहाँ की क्लिप मैंने हटाई, फिर पहुँचे हम तिराहे पे। यहाँ पे देखिए कई सारी एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगी है, कोई चौराहे पे, कोई तिराहे पे, कहीं किसी बिल्डिंग पे तो कहीं किसी बिल्डिंग पे। ये रेड लाइट हमने यहाँ से क्रॉस की और ये पहुँचे हम आगे। सामने देखा हमें एक तिरंगा झंडा, जो दिल्ली में जगह जगह पर लगा है, बहुत सी जगह पर। तो मैंने इसका एक शॉट लिया जो आप लोगों को शायद काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, लहराता हुआ हमारा तिरंगा। फिर यहाँ से पहुँचे हम आगे, और आगे फिर पहुँचे हम रेड लाइट पे। यहाँ फिर जाम मिल गया, मतलब जाम नहीं था, यहाँ पे रुके रहे थोड़ी देर, रुके तो उधर से इधर बस आई, इधर से उधर बस गई, पीछे से कारें आई, हम लोग खड़े देखते रहे, ये लोग जाते रहे। फिर मैंने इसका फोकस हटाया, फोकस किया गाड़ियों पर। फिर धीरे धीरे गाड़ियाँ निकली, उनका टाइम ख़त्म हुआ, हमारा टाइम शुरू हुआ, तो फिर हम निकले। फिर धीरे धीरे हम बढ़ते गए आगे, और यहाँ से पहुँचे हम राजघाट की ओर, दिल्ली विश्वविद्यालय, ऊपर बोर्ड लगा हुआ था। फिर धीरे धीरे हरियाली देखते हुए, मौसम का मज़ा लेते हुए, ये एक और तिरंगा हमें यहाँ से दिखा। एक तिरंगा पीछे था, एक तिरंगा यहाँ पर भी लगा रखा है। तो दिल्ली में कई जगह तिरंगे लगे हुए हैं, जो यहाँ पर भी एक तिरंगा लगा हुआ था। ये बस जा रही थी अपने सफ़र पर, और हमने फिर से एक तिरंगे का शॉट लिया, जो देखिए काफ़ी, ये वाला शॉट पिछले वाले शॉट से काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और यहाँ पर फिर हम पहुँचे एक चौराहे पर, यहाँ पर भी। और ये जो एरिया है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शांति थी, मुझे नहीं लग रहा था कि दिल्ली में इतना शांत एरिया होगा, लेकिन जब यहाँ पर आए तो लगा कि दिल्ली में शांति भी है। काफ़ी सुनसान एरिया था ये, बिल्कुल एकदम पूरी तरह से शांत। फिर हम पहुंचे थोड़े आगे, थोड़े आगे देखा तो फिर एक रेड लाइट थी जहां पर लोग रुके हुए थे। फिर यहां से वीडियो पॉज प्ले करके जो भी रिकॉर्डिंग हुई वो देखिए। फिर पहुंचे एक चौराहे पर, यहां भी लोग इंतज़ार कर रहे थे रेड लाइट का। ये पता नहीं कौन सा ट्रक था, ये उधर गाड़ियां थी, ये हेलमेट वाले लगाए भैया बड़ी तेज़ जा रहे थे, ये टेम्पो आगे, पीछे कबाड़ा
कार थी एक जिसकी हेडलाइट फूटी थी। फिर हम पहुंचे आगे हरियाली देखते हुए। ये भैया बड़ी तेज जा रहे थे स्कूटी, वो अपनी बाइक लेकर। फिर देखिए, फिर यहाँ से पहुंचे, फिर हमें एक और दिखा तिरंगा। ये तिरंगा देखा हमने, एक दो तीसरा तिरंगा था ये शॉर्ट। फिर मैंने इसका लिया शॉर्ट। ये देखिए, ये पक्षी आ गया, इसने और इसकी शान बढ़ा दी। ये शॉर्ट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाया था कि यहाँ पे रोड थोड़ी वैसी थी सीमेंटेड, इस वजह से। फिर हम पहुँचे इधर, इधर से इधर। फिर यहाँ पे रोड थोड़े आगे बढ़े तो फिर हमें फिर एक और तिरंगा यहाँ पर दिखा। फिर मैंने इसका भी शॉर्ट लिया। धीरे धीरे करके ये हो गया चौथा तिरंगा। जगह जगह पर तिरंगा लगा रखा है बड़े बड़े दिल्ली सरकार ने। फिर थोड़े आगे पहुंचे तो यहाँ से ये था फ्लाईओवर या ओवर ब्रिज, कुछ भी बोल सकते हैं, जाम लगा हुआ था। ये क्रॉस किया हमने, फिर पहुंचे एक नई रोड पर। साइड में मंदिर था, झंडा लगा हुआ था। ये मोड़ था ये। फिर ये रहा हमारा पुराना किला, एक लाल किला है दिल्ली में, ये है पुराना किला। तो इसकी ये पीछे दीवारें थीं जहाँ से ये रोड निकली थी। ये पुराना किला के पास में ही एक ये रेलवे का ब्रिज था ऊपर, जहाँ से हम नीचे से निकले आराम से। इसमें से 3 गेट हुए थे। और इसके बाद आई फिर ये रोड सीमेंटेड। ये थोड़ी जब इस पर चलते हैं तो, अगर गाड़ी या कार पे चलते हैं तो इसमें वाइब्रेट होता है। अदर सड़कों पर जब हम लोग चलते हैं तो उसमें वाइब्रेशन नहीं होता है, लेकिन इसमें वाइब्रेशन होता है। फिर हम लोग चलते गए, फिर आई हमारे सामने ये कुछ गाड़ियाँ। यहाँ पर गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ थीं और कुछ नहीं था। आसपास के इलाका में पेड़ पौधे, और टेम्परेचर था यहाँ पे लगभग 40 डिग्री। धीरे धीरे चल रहे थे, साइड में पेड़ पौधे लगे थे, थोड़ा और अच्छा लग रहा था। हवा भी चल रही थी खूब अच्छी। और ये गाड़ी वाले भैया अपनी भगा रहे थे गाड़ी, और पीछे से हमारी भी मोटरसाइकिल चल रही थी। ये देखते जाइए, ये काफ़ी अच्छा व्यू था यहाँ पे। ये बस लाइन है साइड में, साइड में यहाँ पर बसें चलती हैं बिल्कुल रोड के किनारे। बीच में चलती हैं अदर गाड़ियाँ। फिर सामने एक और पुल आया, ये देखिए ऊपर से ये बस है, बस जा रही है। आगे लिखा हुआ था बोर्ड, गाजियाबाद फरीदाबाद, यहाँ से जा रहे। फिर एक और मोड़ आया, मतलब एक और सड़क जहाँ से हम दूसरी मोड़ पर जा सकते थे, दूसरी सड़क पर। तो ये वैन जो थी ये उस साइड मुड़ गई, और हम लोग चले गए सीधे। फिर सीधे जाते 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 ये देखिए, ये लोग किनारे किनारे लगाए हुए थे कुछ। तो यहाँ पर रुक कर लोग आनंद लेते हैं सफ़र का, छाई में खड़े होकर। फिर हम लोग चलते गए सीधे सीधे। कहीं कहीं में पुलिस के बैरियर भी मिले, जैसे ये लगे हुए हैं साइड साइड में। ये हमने किया था, नीचे से शॉट लेने की कोशिश की थी। फिर आई ये हमारे सामने। जब मैं इसके सामने से पहली बार गुजरा था ना, तो मुझे लगा था, जब मैंने दूर से देखा तब मुझे लगा कि ये शायद कुतुब मीनार है। और फिर बाद में जब पास देख कर पहुँचा तब पता लगा ये एक फैक्ट्री है जो बंद पड़ी हुई है यहाँ कई दिनों से। पता नहीं किस चीज़ की फैक्ट्री है, लेकिन ये बंद पड़ी हुई है यहाँ बहुत दिनों से। फिर हमने इधर गहमरा घुमाया तो इधर देखिए हमने ये यमुना नदी है। काफ़ी अच्छा यहाँ पर लग रहा था, काफ़ी सुंदर व्यू था इसका। पास में टावर है। और इधर से हमने जब मुड़े पूरा, तब देखा हमने ये जो कुतुब मीनार पहले हम समझ रहे थे ये फैक्ट्री की चिमनी थी। फिर थोड़े आगे बढ़े, हमने कैमरा सही से सेट किया, फिर देखा यहाँ पर कई सारी फैक्ट्रीज लगी हुई थी। ये था हमारा स्टेडियम किसी स्पोर्ट्स का। और ये भी कुछ अलग अलग तरह के यहाँ पर बिल्डिंग्स बनी हुई थी जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोगों की थोड़ी बाइक ख़राब हो गई, मतलब हो गई थी रास्ते में जाते जाते।
तो हमारे साथ थे हमारे आशीष भैया जो बाइक चला रहे थे, उन्होंने 4-5 बार में इसे स्टार्ट किया और फिर धीरे धीरे जब बाइक स्टार्ट हुई तो धीरे धीरे चलाया। और आगे एक ऐसी बिल्डिंग दिख रही थी यहाँ पर, मतलब आसपास साइड साइड में पौधे लगे हुए थे और 2 बिल्डिंग्स थी, जिसमें से ये सामने वाली जो एक बिल्डिंग है जो रोड के किनारे थी, उसमें इस तरह से फ्लोर्स बनाए हुए थे, मतलब 4-5 फ्लोर के बाद फिर एक फ्लोर पूरा खाली, उसके बाद फिर 4-5 फ्लोर, फिर एक फ्लोर खाली, मतलब एक फ्लोर की पूरी पूरी जगह छोड़ दी थी आगे। और इस साइड काफ़ी ज़्यादा हरियाली थी और तिरंगा भी लगा हुआ था एक, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ से देखिए आप लोग, बहुत अच्छी लग रही थी ये बिल्डिंग, जो मतलब ऐसा लग रहा था कोई 4-5 बिल्डिंग, 2-3 छोटी छोटी बिल्डिंग बना के और उसे बांध दिया। और ये एंगल जो आप देख रहे हैं अभी, ये एंगल मैंने नीचे करके डाउन करके कैमरे से शूट किया, तो जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ पर। तो ये मैंने मूव किया कैमरा यहाँ से और रोड का शॉट लिया मैंने, फिर ये वाला शॉट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि हल्का हल्का सा ब्लर था कैमरा और पीछे से गाड़ी आ रही थी, मैंने पूरा फोकस ब्लर किया था इस पर, ब्लर किया। और ये कार काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, और ये कार जो आ रही है ये बहुत ज़्यादा स्पीड में थी, फिर हटा दिया था मैंने कैमरा वहाँ से। और जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ तो ऐसा लग रहा था मान लो कि चारों तरफ ओवरब्रिज, मैं जिस पर चल रहा था वो भी ओवरब्रिज था और ऊपर भी ओवरब्रिज, दो दो, और ये ब्रिज एक दूसरे से लिंक थे, जिस पर मैं चल रहा था वो भी ओवरब्रिज और साइड में भी ओवरब्रिज और देखिए आगे भी ओवरब्रिज, तो मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर ओवरब्रिज थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये वाला जो ब्रिज है मैं जिस पर चल रहा था, ये लगभग 5 मंजिल ऊपर बना हुआ था, मतलब इसके नीचे हम 5 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं, इतना ऊपर बना हुआ था। कैमरा काफ़ी ज़्यादा हिल रहा था क्योंकि मेरे पास कोई गिम्बल वगैरह नहीं था, ऐसे ही मैंने शूट किया था अपने फ़ोन के कैमरे से। पर यहाँ पर तो इस फ्लाईओवर, मतलब ये फ्लाईओवर बहुत ज़्यादा बड़ा है, लंबा है, ये फ्लाईओवर लगभग मान के चलिए 2 या 3 किलोमीटर का है, और मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छा लग रहा था। इस पर केवल गाड़ियाँ गाड़ियाँ थीं, जब आप इस पर चलेंगे तो आपको एहसास होगा कि कितना अच्छा लगता है यहाँ पर। और यहाँ से जो एक नेक्स्ट शॉट जहाँ पर हम लोग पहुँचे, वहाँ देखिए सामने एक बिल्डिंग थी और पिलर था, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ पर, और पास में गाड़ियाँ जा रही, पीछे बिल्डिंग्स और इधर पिलर, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं बिजली का पोल था बड़ा वाला, और आसमान नीला नीला था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, और टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा हाई था। तो कुछ शॉट्स, और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये ऐसा लग रहा था किसी, मतलब काफ़ी ज़्यादा इस पर, और ये पीछे पीछे देखिए आप, पीछे था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, और ये यहाँ पर पक्षी, किसी ने दाने वगैरह डाले हुए थे तो पक्षी उसे खा रहे थे, पक्षी भी खूब मज़े कर रहे थे इस टाइम अपने। और यहाँ से पहुँचे हम धीरे धीरे नीचे, तो ये देखिए यहाँ से आपको पता लगेगा कि हम कितने ऊपर थे यहाँ से, यहाँ से हम लोग बिल्कुल डाउन जा रहे हैं 4-5 मंजिल के ऊपर, मतलब उसके ब्रिज के नीचे 4-5 मंजिल की बिल्डिंग आ सकती है, इतना बड़ा वो बना हुआ था। और ये जो आप देख रहे हैं ये साइड में, ये मेट्रो का पुल है, मतलब मेट्रो यहाँ से अंडरग्राउंड से ऊपर की तरफ जाती है, तो ये धीरे धीरे करके यहाँ से चढ़ता हुआ, और सामने देखिए ये ब्रिज बना हुआ है, सामने देखिए वहाँ आपको दिखेगा इसका मेट्रो स्टेशन, तो मेट्रो स्टेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और फिर हमारे सामने आई ये गाड़ी जिसे हम जानते हैं मर्सिडीज़ के नाम से, ये भी घूम रही थी दिल्ली में हमारे साथ साथ,
ये भी जा रही थी कहीं, हम भी जा रहे थे नेहरू विहार सॉरी नेहरू प्लेस। और यहाँ पर जब हम लोग पहुँचे तो यहाँ पर हम लोग खड़े रहे वहाँ, और खड़े रहने के बाद हुआ ये कि मतलब वेट करना पड़ा हमें, आगे सामने से वाहन निकल रहे थे तो इस वजह से पहले लेफ्ट से राइट की तरफ सारे वाहन निकले, हम लोग खड़े रहे देखते रहे और क्या कर सकते थे। मतलब ये जो रूल होते हैं वो सबको मतलब सबके ऊपर अप्लाई होते हैं, तो हम लोग भी वहाँ खड़े रहे। और इसके बाद हम लोग निकले, इसके बाद हम लोग खड़े रहे। उसके बाद पहले तो निकले राइट से लेफ्ट वाले, अब निकले लेफ्ट से राइट वाले। तो ये सब लोग भी धीरे धीरे कार टेम्पू और ये गाड़ी मोटरसाइकिल वाले भैया, टेम्पू वाले भैया, कार वाले भैया, ये सब लोग धीरे 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 निकले। अब इनका टाइम ख़त्म हुआ, इसके बाद शुरू हुआ हमारा टाइम। तो फिर इनके बाद निकले हम निकले, हम पहुँचे ये लोग। फिर हम दूसरे वहाँ पे पहुँच गए थे, मतलब चौराहे पर वहाँ खड़े रहे। वहाँ से हमने दूसरा शॉट ये वाला लिया, जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छा लग रहा था। आसपास पेड़ पौधे थे, मतलब पूरा हरा भरा है, फिर भी दिल्ली में प्रदूषण है तो प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो पेड़ पौधे हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करके रखते हैं इसे। और फिर हमें मिले स्विगी वाले भैया, ये कहीं फूड डिलीवरी करने जा रहे थे। ये भी गाड़ी काफ़ी तेज़ चला रहे थे, हमारी गाड़ी भी तेज़ चल रही थी। आप लोग देखते जाइए, कैमरा हिल रहा था, मतलब मोबाइल का कैमरा, जो जो मैंने दिखाने की कोशिश की। और देख लीजिए आप, फिर ये स्विगी वाले भैया ये धीरे से निकल गए आगे, और फिर ये मिल गए हमें आगे। तो ऐसे करके ये भी चलते रहे, और कैमरा हमारा हो गया गड़बड़। कैमरा जब गड़बड़ हुआ तो फिर मैंने इसे धीरे से करके मैनेज किया, फिर हमें वो शॉट कंप्लीट नहीं हो पाया। फिर गाड़ी में मिली एक और, जिसे हम जानते हैं मर्सिडीज़ के नाम से, वो जा रही है आगे। तो मैंने ऐसे भी कैप्चर किया। और यहाँ से देखिए आप कि हम लोग कितने ऊपर थे। ये जो लोग नीचे खड़े हुए, ये एक और ऊपरी ब्रिज था जिस पे हम चल रहे थे, भी वही वाला। तो ये यहाँ से हम लोग देखिए, सामने आप देखिए बिल्कुल, जो कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं इसमें, मतलब मान के चलिए यहाँ पर 500 गाड़ियाँ तो हमें सामने सामने दिख रही थी, दिख रही थी 500 गाड़ियाँ। और पीछे आगे कितनी होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका। तो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ थी यहाँ पर जो हम लोगों ने देखा इसे। और ये रील मैंने कैप्चर की थी रील बनाने के लिए, तो मैंने सोचा कि इसे मैं थोड़ा अपना स्टोरी वगैरह बनाऊंगा, इस पर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बन सकती है एक स्टोरी। तो ये मैंने सोचा था कि मैं इसे बनाऊंगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हो सकता है इसमें कोई सा बढ़िया शॉट निकल जाए जो वायरल हो जाए, मतलब कोशिश तो रहती है, जो होगा सो होगा, अपने हिसाब से कर सकते हैं जितना हो सकता है। इसमें गाड़ियाँ जा रही हैं, आसपास पेड़ पौधे हैं, ग्रीनरी है खूब। और सामने ये बिल्डिंग देखिए आप, एक और ये गाड़ी आ गई थी, हम वीडियो बना रहे थे, मर्सिडी। मतलब ये दिल्ली वगैरह में घूमती रहती हैं, राजधानी है तो घूमेगी, और कहीं नहीं जा सकती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये बिल्डिंग, ये पहले तो देखते ही मतलब एक अजीब सा लगा, बाद में पता लगा ये किसी मतलब कुछ है अलग सा। और फिर ये दूसरी जगह हमने फिर एक शॉट लिया था जहाँ पर एक तिरंगा फिर से हमें दिखा। ये तिरंगा मतलब दिल्ली में काफ़ी जगह लगा हुआ है, मान के चलिए 50-60 जगह दिल्ली में बड़े बड़े तिरंगे लगा रखे हैं दिल्ली सरकार ने। मतलब फॉरेनर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो समझ सकते हैं आप। तो मतलब एक फील आता है कि हम दिल्ली राजधानी में चल रहे हैं, भारत की राजधानी में चल रहे हैं, तो एक अलग से फीलिंग आती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था जब हम घूम रहे थे, मतलब जा रहे थे नेहरू प्लेस, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। और धीरे धीरे हम लोग ये, पहले मैंने सोचा शॉर्ट रील बनाने के लिए लें, बाद में फिर मैंने सोचा इसे YouTube के लिए सही रहेगा, तो मैंने इसमें ये भी लगा दिया। और ये जो बिल्डिंग्स थी ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी मुझे, क्योंकि ये बिल्कुल पास पास में बनी हुई थी, और ऊंचाई भी खूब थी, आसमान भी नीला था। और यहाँ पर इन बिल्डिंग्स के नीचे, मतलब बिल्डिंग से जब हम देखेंगे तो ओवरब्रिज तीन चार थे यहाँ पर, एक जिसके नीचे से हम लोग निकले, एक सामने और एक और उधर था ब्रिज। और यहाँ पर इन लोगों ने एक पार्क टाइप का बना रखा है,
जिसे अभी आप देखेंगे, ये मैंने वाइड एंगल पर शूट किया था, ये वाला। ये जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, चमक रहा था उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा चमक रहा था, बड़ा अच्छा यहाँ पर लग रहा था, अट्रैक्टिव सा। और ये जो पक्षी घूम रहे थे आसमान में, ये भी मैंने कैप्चर किया। फिर इसके बाद फिर एक सामने आ गया तिरंगा, मतलब बहुत ज़्यादा तिरंगे लगा रखे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और अंदर से एक अच्छी वाली फीलिंग आती है। तो बहुत बढ़िया लग रहा था यहाँ पर, चारों ओर हरियाली है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी दिल्ली में प्रदूषण ज़्यादा है क्योंकि वाहन ज़्यादा यहाँ पर चलते हैं, ऑल इंडिया से लोग इधर उधर आते जाते रहते हैं। तो आप कहीं पर भी देखेंगे तो मतलब गाड़ी ही गाड़ियाँ दिखाई देती हैं उसके सड़क पे, और कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ, और जगह जगह पर आपको जाम मिल सकता है। दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा अच्छी रोडें हैं तब, अगर दिल्ली की भाई राजधानी है इसलिए बना रखी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ पर जब मैं जा रहा था यहाँ से नेहरू प्लेस, तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव सा लगा। और ये स्विगी वाले भैया एक और मिल गए थे, ये भी कहीं फूड डिलीवरी करने जा रहे थे, और फिर मिल गई एक लाइट जहाँ पर हमें रुकना था, फिर रुके, फिर हम सीधे चल गए आगे आगे। फिर हमें थोड़ी मिल गई ये, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ रुके थोड़ा, और जैसे ही सिग्नल हमें मिला हम लोग यहाँ से निकल लिए, मतलब थोड़ी देर रुके, जब वो वाली गाड़ियाँ निकल रही थी फिर हम लोग यहाँ से चले गए। तो ऐसे करके हम लोग चलते गए चलते गए। और यहाँ भी देखिए, इस साइड राइट साइड में सड़क बना रखी है, उस साइड भी सड़क है, इधर आने आने के लिए, उधर जाने के लिए, या उधर जाने के लिए, इधर आने के लिए, और बीच में पोल लगा रखे हैं जिन पे ओवर ब्रिज बना हुआ है, या फ्लाईओवर या मेट्रो ट्रैक बना हुआ है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, और नीचे ग्रीनरी लगा रखी है, मतलब दिल्ली की सड़कों पर हर जगह ग्रीनरी है, फिर भी मतलब बोल सकते हैं अब राजधानी है, लोग आते जाते हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, इस वजह से प्रदूषित रहती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली का प्रदूषण वर्ल्ड में 8वें या 9वें नंबर पर आता है, सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाले में, मतलब सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में 8वें या 9वें रैंक पर आता है ये। जब मतलब मैंने ये पढ़ा है, मैं क्लियर नहीं बोल सकता हूँ। और फिर हम लोग पहुँचे थे यहाँ से नेहरू प्लेस, मतलब जहाँ जा रहे थे वहाँ, फिर मैंने ये वाइड एंगल पर शूट किया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग थी, तो ये वाइड एंगल पर शूट किया था। ये भी किसी चीज़ का ऑफिस था यहाँ पर, और यहाँ पर रोड रिपेयरिंग का कुछ काम चल रहा था। और एक और ये था बिल्डिंग, इसके बाद ये एक और इरोज नाम से कुछ बिल्डिंग थी, और सामने मेट्रो स्टेशन था इसका, नेहरू प्लेस का, ये लिखा हुआ है इरोज कॉरपोरेशन कॉरपोरेट वगैरह ऐसे कुछ इसका नाम था, मैंने सही से नहीं पढ़ा था। और ये हमारे सामने है एक इरोज की बिल्डिंग, और दूसरा है हमारे सामने IFCI टावर। तो यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं जो मार्केट है हमारा, मेन मार्केट, मतलब बोल सकते हैं कंप्यूटर मार्केट एशिया का सबसे बड़ा। तो ये इसका नाम था IFCI टावर, ये एक है, इसके पीछे हमारा पड़ता है नेहरू प्लेस। तो यहाँ से फिर मैंने उस वीडियो नहीं बना पाई, और फिर नाइट हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, फिर हम मतलब सामान खरीदते खरीदते और भी कुछ काम था, तो वहाँ से फिर हम लोग चल दिए सीधे मुखर्जी नगर की तरफ, जहाँ हमें जाना था, मतलब जहाँ से हम लोग गए थे उसकी तरफ। तो मैंने ये कुछ शॉट लिए थे, मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था क्योंकि बैटरी बहुत कम थी उसमें, और हीट ज़्यादा होती है तो फिर हो ही जाता है। फिर मैंने अपने जो भैया थे साथ में, आशीष भैया, उनका मोबाइल लिया और उससे कुछ शॉट निकाले, लेकिन कैमरा थोड़ा डाउन था उनका, मतलब यार नाइट का भी फ़र्क रहता है और कैमरा क्वालिटी की भी बात करते हैं, तो फिर इस वजह से ये शॉट थोड़े गड़बड़ आए हैं। ये हमारा नेहरू विहार है, ये मार्केट है नेहरू विहार का, आप लोग देख सकते हैं, आप अगर कभी आएँ तो आपको थोड़ी मदद मिल सकती है आपको इस वीडियो से। तो ये नेहरू विहार, और हम लोग यहाँ पर रुके, थोड़ा रुके थे क्योंकि सामने थोड़ा हल्का सा जाम था। फिर हम यहाँ से ये चढ़े हम ऊपर, और ये चढ़ाई है ये नेहरू विहार से मुखर्जी नगर जाने के लिए। तो साइड में दृष्टि जो कोचिंग है उसका ऑफिस है, और यहाँ से जो पुल है इसका, यहाँ से हम लोग
निकलते हैं उस साइड के लिए और हम पहुंचते हैं सीधे अपने घर या ऑफिस कुछ भी। और यहाँ से हम लोग आ गए थे अपने एरिया मतलब मुखर्जी नगर के, यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं सबकी, तो यहाँ से हम लोग आ चुके हैं। और मैं इसमें यहाँ पर बोल रहा था कि हम लोग सेफ फाइनली पहुँच चुके हैं, हालत बहुत ख़राब है और बिल्कुल क्लियर तरीके से पहुँच चुके हैं।